ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल पितृ पक्ष का पहला सोमवार है, तो इस दिन आप कुछ उपाय जरूर करें जिससे आपका पितृदोष दूर होगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको धन सुख संपदा का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष में प्रेत योनि में भटक रहे मृत आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। प्राय अकाल मृत्यु और आत्महत्या से मरने वाले प्रेत योनि में चले जाते हैं। अपने शुभ कार्यों, इस प्रार्थना, परिजनों के श्राद्ध क्रम से मृत आत्मा को इस लोक से ऊपर पितृलोक प्राप्त होता है। ज्योतिष ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। मनुष्य योनि में इनकी अतृप्त कामना रह जाने से यह नन्हे बच्चों, महिलाओं एवं दुर्बल व्यक्तियों को परेशान करते हैं। इनकी इच्छाएं अतृप्त होती है। यह भूलोक के पास ही रहते हैं, जहाँ पूजा पाठ, गायत्री जाप, ईश वंदना, देव मंदिर तथा तुलसी चोरा होगा, वहाँ इनका आगमन नहीं होता है। जब कभी इस योनि का प्रभाव जीवित व्यक्तियों पर पड़ता है तो उन्हें कई प्रकार के कष्ट होते हैं। पितृदोष के लक्षण, मृत आत्माओं की इहलोक में ही भटकते रहने पर पितृदोष अथवा अन्य कई प्रकार के लक्षण व्यक्तियों के घर में और शरीर में दिखाई पड़ने लगते हैं। यह लक्षण है घर में निरंतर बीमारी का आगमन, वंश वृद्धि में रुकावट, संतान का जन्म लेने के साथ ही मृत्यु हो जाना, मानसिक अशांति रहना, व्यापार में घाटा होना, विवाह में अवरोध आना, आकस्मिक दुर्घटना होना, घर में परिजनों को बराबर बुरा एवं डरावना सपना आना, कुछ भी इच्छित न होना, बने बनाए काम बिगड़ जाना आदि पितृदोष के लक्षण है, जिनका निवारण करना जरूरी है। तो आप पितरों की शांति के लिए ये उपाय अवश्य करें। जब पितरों को पितृलोक में उचित स्थान मिल जाता है तो वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना ही श्राद्ध है। तर्पण, भोजन, पिंडदान और वस्त्र दान व दक्षिणा श्राद्ध के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पितृदोष एवं पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति के लिए राहु काल में आप शिव पूजन करें। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का नाम लेकर तर्पण अवश्य करें। पितृदोष निवारण कवच धारण करना भी एक उपाय है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गैया तीर्थ धाम में मर्त जनों का पिंड दान अवश्य करें। प्रभु भगवान श्री राम ने भी गैया धाम के फल्गु नदी तट पर अपने पिता महाराज दशरथ का तर्पण और श्राद्ध किया था। तो आप अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूर करें और सोमवार के दिन आप गैया के कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। आपके कष्ट दूर होंगे। भगवान शिव की आप पर कृपा दृष्टि बनेगी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।